दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सेंटर का दिखा जलवा, संपर्क करिए इस नंबर पर 9570360232। जी हाँ, दरभंगा जिला के बाजार से मस्ती स्थित रोड कोठिया में एनटीटी के तहत दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सेंटर, आज एनटीटी के तहत परीक्षा लिया गया। इस परीक्षा में 100 सीट में से 98 बच्चे उपस्थित हुए। वह यह परीक्षा सही बच्चों को देना चाहिए, यह ज्ञान है। आने वाले समय में एनटीटी की महत्व बहुत ज्यादा है। इसके लिए जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, वो प्राइमरी के टीचर एनटीटी कोर्स करना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आज यहाँ एनटीटी की परीक्षा ली गई है। आपको बताते चले कि दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सेंटर बाजार से मिश्री रोड कोठिया में दरभंगा नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग सेंटर 22/2024 सत्र के प्रथम वर्ष का परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। वहीं इनमें कुछ मुख्य अतिथि मुजत्तब अहमद व अविनाश कुमार एवं पंकज कुमार मौजूद थे। एग्जाम क्या चीज चल रही है और कहाँ पे चल रही है? सर, एक्चुअली ये एग्जाम जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है उसका पैटर्न गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 किया है, जिसमें फर्स्ट 5 स्टेज जो है वो गवर्नमेंट अब उसको बाल वाटिका करने जा रही है। जो जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र थे और अभी जो चल रही है, जो भी भूमिहीन है वो सब वहाँ के जो केंद्रीय विद्यालय होगा अर्थात जो उसके नजदीकी विद्यालय होंगे प्राथमिक स्कूल, उसमें वो सारा आंगनवाड़ी मर्ज हो जाएगा, तो वो बाल वाटिका के रूप में आएगा स्कूल। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बाल वाटिका में टीचर की बहाली होंगे वो एनटीटी जो किए होंगे, जो भी एनटीटी के डिग्री धारक होंगे उनको उनमें बहाली लिया जाएगा। कितने स्टूडेंट शामिल हुए हैं? सर, एक्चुअली हमारे संस्था दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सेंटर में टोटल 100 सीट है और ये हमारा सेकेंड सेशन है। एक ऑलरेडी दिसंबर सेशन का एग्जाम हो चुका है, उन लोग का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट एडमिट कार्ड के साथ उनका जो है सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया। ये हमारा सेकेंड बैच का एग्जामिनेशन है जो जून सेशन का चल रहा है और आज दिनांक 12 जून 2023 का ये आज प्रथम दिवस का एग्जाम है और सारे बच्चे बहुत हर्षोल्लास के साथ एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जो संस्था का हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पढ़ाई के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक रखते हैं। सर, एक बात बता दें कि हम अदर संस्था की अपेक्षा हमारी संस्था एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दे रही है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, और अगर बाय द वे बच्चे किसी भी कारणवश ऑनलाइन में भी नहीं जुड़ पाते हैं या ऑफलाइन हमारे संस्था पर नहीं आ पाते हैं तो हम लोग उनको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी उनको क्लास प्रोवाइड करते हैं ताकि वो किसी भी समय में अपना क्लास कर सके और शिक्षा के प्रति जो उनके अंदर जागृति है उसको बरकरार रख सके। कहाँ पर खोले हुए कॉलेज? सर, ये हमारा संस्था जो है बाजार समिति रोड कोठिया दरभंगा में हमारा संस्था है, जहाँ का पिन कोड 84006। क्या नाम से है संस्था? सर, संस्था का नाम दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सेंटर। जी सर, मैं इस संस्था का प्रिंसिपल राहुल सिंह। ये एग्जाम क्या कहेंगे सर जी? आज यहाँ जो नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में एग्जाम हो रही है, किस चीज का एग्जाम हो रही है, इससे क्या बेनिफिट छात्रों को मिलेगी? यहाँ जो आज एग्जाम हो रही है, सबसे पहले तो ये बता दें कि दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ बच्चों को इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो बहाली होगी प्राइमरी प्रारंभिक बच्चों का, उसमें ये सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको उस बहाली में जाने के लिए सुविधा है। अपना परिचय? जी, मेरा नाम हुआ पंकज कुमार सिंह, हाई स्कूल एनटीटी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है दरभंगा नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जाएंगे बाल वाटिका बोल के जो कंसेप्ट आया है नया शिक्षा नीति उसके माध्यम से, तो उसके लिए ट्रेनिंग किया जा रहा है यहाँ पे और उसी की परीक्षा अच्छा है। कितने स्टूडेंट भाग लिए हैं इसमें? यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुस्तफा अहमद है, मैं एमपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मधेपुरा में लेक्चरर। एग्जाम चल रही है,
इस संस्था में क्या चीज खासियत आपको नजर आया है? तो बच्चे पढ़ाई के प्रति रुझान ज्यादा देखे हैं और जितना सीख है उतना फुलफिल प्रत्येक साल हो रहा है और दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं एडमिशन कराने के लिए। सरकार की जो नई शिक्षा नीति लागू जो हुई है उसमें ये कोर्स काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी और बच्चे के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। कितने सीट है यहाँ? 100 सीट है। कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट को अपनी अपना परिचय। मेरा अविनाश कुमार नाम हुआ, हम घनश्यामपुर मध्य विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर हैं। दरभंगा में NTT सेंटर है, यहाँ हम लोग एग्जाम दे रहे हैं नेशनल टीचर ट्रेनिंग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुगंध कुमार। कब एडमिशन लिए थे? एडमिशन कब हुई थी आपकी? एडमिशन 1 ईयर बैक था। कहाँ से आप हैं? हम दरभंगा से हैं। कैसा लगा वो संस्था, कैसा लगा? बहुत अच्छी संस्था है और उसी पूर्वक एग्जाम हो रही है और टाइमिंग प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा है। क्या कहते हैं सर? कहाँ से आपका? कैसा आपको लग रहा है इस सेंटर में? सेंटर में सर अच्छा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे मतलब जो सर ऑनलाइन भी पढ़ाए थे और ऑफलाइन भी, जैसे जो भी परेशानी होती थी पढ़ाई से काफ़ी खुश हम रहते हैं। कोई चीज़ का परेशानी नहीं हो रही है? नहीं सर। क्या नाम हुआ? सपना। आज एग्जाम हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या करेंगे सर? सर आज दरभंगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में सत्र 2022 से 24 का प्रथम वर्ष का प्रथम दिन का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और सर मैं बता दूं पहले कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोल सकते हैं जिनको ये नहीं पता है कि NTT का वैकेंसी अपकमिंग है या नहीं है, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये अभी बहुत दुविधा में चल रही है। तो मैं उनको ये बात क्लियर कर दूँ कि बिहार में अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो वैकेंसी निकाली है। ऐसा मानना ये नहीं है कि बिहार सरकार ही वैकेंसी निकालेगी तभी हम लोग ये कोर्स करेंगे। अभी सर मैं आपको कुछ स्कूल के बारे में डिटेल दिखा रहा हूँ जो अपने बिहार के लिए भी वैकेंसी है और आउट ऑफ बिहार के लिए भी वैकेंसी है। जैसे कि सर ये केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे केंद्रीय विद्यालय का जो हेड जोन होता है वो मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे सर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 या समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ तथा नर्सरी शिक्षक शिक्षा पूर्व मतलब क्या NTT की होना ही कंपलसरी है। अब सर ये अब नहीं है कि हम BEd और DLED करके ही टीचर बनेंगे सरकारी शिक्षक, अब हम लोग एक NTT कोर्स करके भी एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि सर अभी सभी पेरेंट्स इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि अपने बच्चों को अब 2 लाख रुपया दे करके BEd DLED करवाएं और उसके बाद क्या BEd DLED करने के बाद आपको CTET क्वालिफाई करना पड़ेगा और अभी जो सर गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर के आ रही है उसके अंतर्गत आप BPSC भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक हम लोग जितने भी मध्य वर्गीय फैमिली से आते हैं वो इस कोर्स को करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि हम BEd और DLED करें। उसी समकक्ष सर ये NTT ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक समकक्ष कोर्स ही है, यदि आप कम फीस में भी टीचर बनने का सपना आप साकार कर सकते हैं। सर इससे पहले अभी हम लोग थोड़ा वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे तो बिहार के लिए सर आपने एक वैकेंसी देखा और जो सर अपकमिंग वैकेंसी सर बिहार सरकार लेकर के आ रही है उसका नाम रहेगा सर बाल वाटिका शिक्षक। सर उसको आप देख सकते हैं कि NTT शिक्षकों पर कक्षा 2 तक की पढ़ाई की जिम्मा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर ये दिया गया कि 5+3+3+4 शिक्षा पद्धति में बच्चों को नर्सरी से कक्षा 2 तक की पढ़ाई की उत्तरदायित्व NTT शिक्षकों के ऊपर ही दिया गया है। अब सर ये हम देखते हैं कि DAV पब्लिक स्कूल सर इसका भी हेड जोन मुजफ्फरपुर ही है, आप वहाँ सब सर ये सब ऐसे रेपुटेशन स्कूल है ना जहाँ पे आप BEd और DLED के बिना जा ही नहीं सकते हैं लेकिन अब आप NTT कोर्स करके भी वहाँ जा सकते हैं। सर हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं सर और तब बिहार की हम लोग सर बातें करते हैं कि पंजाब NTT सर आप वहाँ भी देखिएगा कि पंजाब में सर ये अपकमिंग वैकेंसी था 2020 का सर 23 का सर जनवरी 2023 का सर और वहाँ का सर पे स्केल भी आपको 20,000 से लेकर के 60,000 तक है सर। उसके बाद सर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैकेंसी हिमाचल प्रदेश का सर, हिमाचल प्रदेश में भी सर आपको अप्रॉक्स 9,000 का सर वैकेंसी था, वहाँ पे सर आप देखिएगा कि पे स्केल कितना है 20,000 से लेकर के 60,000 तक। उसके बाद सर आपको UP गवर्नमेंट भी वैकेंसी निकाली थी पिछले साल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि UPCT नर्सरी एंड NTT यूनिवर्सिटी
उसके बाद सर आप देख सकते हैं दिल्ली शिक्षा बोर्ड DSSB जो वो भी वैकेंसी निकाली, यहाँ पे क्लियरली सर मेंशन है कि देखिए 10+2 इंटरमीडिएट विद 45% मार्क एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, मतलब क्या 12 के साथ साथ आपके पास NTT सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब शायद आप लोग बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं पता था कि इसकी वैकेंसी कब आएगी या क्या है नहीं है, शायद आई थिंक हम आपको प्रूफ के साथ दिखा दिए कि वैकेंसी आ रही है। ये हमारे बिहार के लिए नई कोर्स है लेकिन अदर स्टेट में 2003 से ही चल रही है, हो सकता है कि 24 या 25 में बिहार सरकार भी वैकेंसी को लेकर आए। कितना सीट आते हैं सर? हमारे यहाँ पहले सीट की बातें सर नहीं करके, पहले हम इसकी बातें करते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सा कोर्स होता है। ठीक है, हमारे यहाँ सर 4 कोर्सेज होता है। फर्स्ट होता है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, सेकेंड होता है कि प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, थर्ड होता है आपको योगा टीचर ट्रेनिंग, फोर्थ होता है उर्दू टीचर ट्रेनिंग। सर प्रत्येक हमारे पास 100 सीट है। सर आज हमारे यहाँ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम हो रहा है सर, हमारे पास 100 सीट था, 100 का सर 100 सीट हमारे पास फुल है और हमारे पास 98 अटेंडेंस है, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं। एडमिशन का शुल्क क्या है सर? एडमिशन का शुल्क सर हमारे यहाँ मिनिमम शुल्क 20,000 से लेकर के 30,000 के मिड में ही है। कितने दिन का कोर्स है सर? ये 2 साल का कोर्स होता है। और सर सबसे अच्छी बात यह है ना सर, दरभंगा का हमारा फर्स्ट ब्रांच है ओपनिंग का और हमारी संस्था आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से क्लास देती है, क्योंकि सर हम लोग जो है ना डिग्री पे फोकस नहीं करके पहले नॉलेज पे भी फोकस करते हैं कि बच्चे को कुछ नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। अभी तक सर बिहार में कुछ ही ऐसे संस्थान होंगे जो आपको क्लास का फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। सर मैं राकेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ दरभंगा नर्सरी की ट्रेनिंग सेंटर।